स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देशभर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। किसान एकता मोर्चा ने बताया कि 41 किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को देशभर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कंटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए गए हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीले लगाई गई। पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी वाली किले लगाई। उनके बीच में सरिये को काटकर नुकीला बनाकर लगाया गया है। इसके बाद सीमेंट डालकर उसे जमा दिया गया है ताकि कोई आसानी से इसे हटा ना सके। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कई ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है, जिसे कई घंटों के बाद ट्विटर इंडिया ने बहाल किया। सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बंद करके सभी संचार माध्यमों को काट दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति में जो कटौती की है, उसे बहाल किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का बजट। स्वास्थ्य के बजट में 137% बढ़ोतरी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 और 22 के लिए बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। साल स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2,23,846 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया। वित्त मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1,10,00,000 रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। उन्होंने रेलवे के बारे में कई अहम ऐलान भी किए। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 और 21 को पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर की शुरुआत भी की गई, जिसमें इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कास्ट घटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मोनिटाइज्ड भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान भी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी CS-51 को लॉन्च करेगा और गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आम बजट 2021 और 22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा भी की। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा और इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साल 2021 और 22 में विनिवेश के जरिए 2,25,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के लक्ष्य से काफी दूर।
ऐसे में संभावना कम है कि सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर इस साल कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। अगले वित्त वर्ष में BPCL, एयर इंडिया, कॉनकोर और SCI के विनिवेश पर मुहर लग सकती है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। 1 अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति को भी लागू कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि राजकोषीय घाटे को 6.8% तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीने में बाजार से लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने कृषि कानून को लेकर हंगामा किया। बजट के बीच में किसानों के मुद्दे पर वित्त मंत्री के जिक्र को लेकर विपक्ष के नेता नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए वित्त मंत्री को कुछ मिनट तक अपना भाषण भी रोकना पड़ा। वित्त मंत्री ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि साल किसानों से 1.72 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। संसद के अंदर विपक्ष ने लगाया जय जवान जय किसान के नारे। बजट का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस के सांसद। वित्त मंत्री ने कहा 2022 तक किसानों की आय करेंगे दोगुनी, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का लक्ष्य। बजट घोषणाओं को बाजार ने हाथों हाथ लिया। 2 सरकारी बैंकों का विनिवेश, LIC का IPO और बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा से बैंकिंग और वित्त कंपनियों के शेयर में उछाल देखा गया। सेंसेक्स की शुरुआत बढ़त के रुख के साथ हुई थी, लेकिन बजट घोषणाओं के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 459.30 अंक की बढ़त के साथ 14,930.90 अंक पर कारोबार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए। पीएम मोदी बोले कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल में काफी प्रोएक्टिव रहा है। उन्होंने कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान रहा है, इस बजट से कृषि क्षेत्र मजबूत भी होगा। बजट सत्र के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम मिले। सीएम मनोहर लाल ने बजट को लेकर कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक कठिनाई थी, फिर भी संतुलित और लोकहित का यह बजट है। उन्होंने कहा कि आवश्यक चीजों का बजट में ख्याल रखा गया। सीएम ने कहा है कि कृषि के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान है। कपास के किसानों के 25,500 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात की गई। सीएम ने कहा है कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और बजट संतुलित है। मेड इन इंडिया का ध्यान रखा गया है। कई सारी वस्तुओं को इस बजट में सस्ता भी किया गया। बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है, इसको लागू करने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस के मुताबिक इस बजट से निराशा ही हाथ लगी। पिछले बजट की तरह इसकी भी पोल जल्द ही खुलेगी। टैक्स रिलीज की बात करें तो इससे मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, उन सांसदों को भी धोखा दिया है जो वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुन रहे थे।
सुरजेवाला ने कहा कि डिफेंस बजट में एक कूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई है। चीन से तनाव चल रहा है लेकिन बजट में रक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि खेती बजट 6% काटा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। भूखे हाथी को एक मुट्ठी घास दे दी जाए तो क्या होगा, ये बजट हर पायदान पर औंधे मुंह गिरा है। सुरजेवाला ने कहा है कि पैरा 141 में वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटा का जिक्र आया है, वहीं उसको छिपाने की कोशिश हो रही है लेकिन ब्लूमबर्ग ने इससे पहले ही नंबर रिलीज कर दिया है, ये कैसे हुआ। केंद्र सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है ये बजट नीरस करने वाला और उम्मीदों से परे है जिससे आम जन को राहत नहीं मिली। हुड्डा ने बजट को लेकर कहा कि कोविड के बाद केंद्र सरकार से बजट में आमजन को राहत देने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार को मनरेगा जैसे कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल में सेस लगाकर किसानों की कमर को तोड़ दिया है, इसलिए बजट किसान विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक और पूंजीपतियों के लिए, बीजेपी सरकार के बजट से आम आदमी निराश है। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की है। जनता को कोई खास राहत न मिलने के चलते पूर्व सैनिकों ने बजट को फेल बताया है। पूर्व सैनिकों की माने तो सरकार ने कान एक तरफ से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ा। प्रथला में बजट को लेकर किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई तो वहीं पर प्रथला विधायक नयन पाल रावत ने बजट को ऐतिहासिक कहा, उन्होंने इसे आमजन से जुड़ा हुआ बताया। लोगों की माने तो मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और बजट किसानों और मजदूरों के हित में। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है जबकि टैक्स में राहत देनी चाहिए थी। सिरसा में भी बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि बजट से उम्मीदें बहुत थी लेकिन पूरी नहीं हुई। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार से वार्ता से पहले रखी शर्तें, किसानों की रिहाई, इंटरनेट को बहाल। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने काजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए साथ जाने वाले किसानों का आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसानों की रिहाई, किसानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इनेलो नेता हजारों किसानों के साथ 2 फरवरी को जींद से चलकर गोहाना गन्नौर होते हुए सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके लिए इनेलो ने किसानों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने की अपील की। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए प्रदेश के सभी किसानों से ज्यादा संख्या में सिंगू बॉर्डर पहुंचने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे निभाएंगे। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों के केथलपानी पर जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। शाम 5 बजे तक के लिए इन जिलों में वॉइस कॉल चलेगी। पानीपत में इंटरनेट बंद होने के चलते कारोबारी परेशान है। उद्योगपति विवेक बंसल का कहना है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से करीब 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसका पूरे देश पर असर पड़ रहा है। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। पूर्व आईजी रणवीर शर्मा समेत कई रिटायर अधिकारियों ने टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये किसान की नहीं हर समाज की लड़ाई। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो ने टिकरी बॉर्डर समेत 4 स्टेशन बंद कर दिए। मेट्रो के इन 4 स्टेशनों को बंद करने की वजह को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई लेकिन स्टेशन बंद होने से आम लोगों को परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर लोहे के कांटे बिछवा दिए हैं। ये सब कुछ किसान आंदोलन को लेकर किया गया है। वहीं इसको लेकर किसानों का यह भी कहना है कि सरकार बातचीत के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की जगह आंदोलन के रास्ते बंद कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक युवा किसान की मौत हो गई है। किसान
आशु कुमार संगरूर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, हार्ट अटैक बताया जा रहा है किसान की मौत की वजह। गरौंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे पंजाबी गायक बिट्टू खानेवाल ने आंदोलनरत किसानों का जोश बढ़ाया। पंजाबी गायक ने अपनी प्रस्तुति से किसानों की कुर्बानियों को सलाम किया। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हरजिंद्र सिंह बेनीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की नहीं बल्कि ईवीएम से चुनी हुई सरकार है और ये लोकतंत्र की सरकार होती तो किसानों को कड़ाके की ठंड में सड़कों पर न बैठने दी। पलवल जिले के किसानों ने फिर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने के लिए हुंकार भरी है और जिले के अलग अलग गांवों से किसान धरने पर बैठने के लिए रवाना हुए। बावन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठ गए हैं। जहां पहले 58 दिन अटोहा मोड़ पर बैठे हुए थे उसी जगह किसानों ने फिर से आंदोलन को शुरू कर दिया। पलवल पुलिस की तरफ से पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, हालांकि बावजूद उसके किसान नेताओं का भी आवागमन जारी। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम की जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद की तमाम सीमाओं पर जाम लग रहा है। जाम की वजह से आनंद विहार से दिल्ली लोग नहीं जा सके, ऐसे में अप्सरा बॉर्डर से लोगों को जाना पड़ा। अप्सरा बॉर्डर पर भी हैवी ट्रैफिक होने से जाम लगा रहा। जींद में 3 फरवरी को कंडेला गांव में किसान नेताओं के आगमन को लेकर कंडेला खाप ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर के खाप पंचायतों की सभा में शामिल होने को लेकर तैयारियों पर कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने जानकारी दी। खाप नेता टेकराम कंडेला ने बताया है कि 3 फरवरी की सभा से राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। सभा के लिए 7 एकड़ का मैदान बनाया गया है, 3 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। केरल में मोबाइल इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कारोबार को झटका लगा है। मोबाइल इंटरनेट बंद होने का जिले में और भी कई तरीके की सेवाओं पर बड़ा असर दिखाई दिया। पेट्रोल पंपों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित बड़े प्रतिष्ठानों पर पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से भुगतान होता है, जिसके चलते लेन देन पर बड़ा असर नजर आया। लोगों का कैश ट्रांजेक्शन करनी पड़ी, वहीं करीब 20 से 25 लाख रुपए की मोबाइल बैंकिंग भी प्रभावित रही है। कोरोना के चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते प्रभावित। सरकार ने 10 फरवरी को सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति को 5,10,000 रुपए का चेक प्रदान किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति के द्वारा इस दौरान मुख्यमंत्री को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रारूप का चित्र भी भेंट किया गया। गोहाना में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी कहा कि समरसता के भाव को संजोए ये निधि समर्पण अभियान। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू कर दी गई है। रादौर के सरकारी स्कूल में बच्चों के द्वारा फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के बाद 6 से 8 तक के लिए स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूल में छात्रों की संख्या नाक के बराबर दिखी। कोरोना काल के बाद कक्षा 6 से 8 तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। फतेहाबाद में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे स्कूल में पहुंचे। जुलाना में पिछले करीब 100 से स्कूल बंद होने के चलते छात्रों को अपने घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी। सरकार के आदेशों से फिर एक बार स्कूल खुले। प्रदेश भर के 6 से 8 तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। हरियाणा के चरखी दादरी जिला कोरोना मुक्त हो गया। सीएमओ सुदर्शन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि पाने का दूसरा राज्य बना हुआ है। स्कूल में बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में 4 टीमों का गठन किया गया है, जो कि कोरोना वॉर रूम में बच्चों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगी।
यमुनानगर में पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद संजीव को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पर बिलासपुर के गांव जगनौली के पत्ते पर 28 दिन के पेरोल भी ली थी, जिसके बाद से वो फरार था। झज्जर पुलिस ने सनी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों पर लूट हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पत्रकार मंदीप पुनिया को गिरफ्तार करने और बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के विरोध में फतेहाबाद के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के नाम लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में दहेज का एक और नया मामला सामने आया है। दरअसल सास और पति से परेशान नवविवाहिता ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 21 साल की नवविवाहिता दहेज दानवों की बलि चढ़ गई। पीड़ित युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी आप बीती का एक ऑडियो भी बनाया था। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू की। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के बस स्टैंड चौकी पुलिस ने 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की कालंदर कॉलोनी में रहने वाला सलमान पिछले 6 महीने से 307 के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा गांजा तस्कर भी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने जिस आरोपी सलमान की पहचान बताई थी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पड़ताल जारी। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की ओर से राष्ट्रपति विन को हिरासत में ले लिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। म्यांमार सैन्य टेलीविजन के भी कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। भारत की कोरोना वैक्सीन के लिए सभी देश मांग रहे हैं। पाकिस्तान भी भारत में बनी कोरोना वैक्सीन मांगने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अलावा भारत कई अन्य देशों को भी वैक्सीन देगा। पाकिस्तान के लिए भारतीय टीका सस्ता पड़ेगा, जबकि वो किसी और देश से लेगा तो उसे वैक्सीन की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।